वीर महिला के खिताब से सम्मानित कल्पना दत्त भारतीय संग्राम की सशक्त महिला क्रांतिकारी थी। 27 जुलाई 1913 को चटगांव तत्कालीन बंगाल में उनका जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा के उपरांत 1929 में वे कोलकाता आ गईं। क्रांतिकारियों से प्रभावित कल्पना दत्त ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से नाता जोड़ लिया। यहाँ उनका संपर्क बीना दास और प्रीति लता जैसी महिला क्रांतिकारियों से भी हुआ। कल्पना भेष बदल कर क्रांतिकारियों को गोला बारूद पहुंचाया करती थी। प्रीति लता के साथ मिलकर रात के समय बंदूक और पिस्तौल चलाने का भी अभ्यास करती। चटगांव, शास्त्रा नगर लूट और यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना के अंतर्गत कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभियोग सिद्ध न होने पर रिहा हो गयी। लेकिन कल्पना अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में अडिग रही। हालांकि पुलिस का उनके घर के बाहर सख्त पहरा रहता था, लेकिन एक रोज वह भेष बदल कर भागने में सफल हो गई और गुप्त रूप से आंदोलनों में भाग लेने लगी। 19 मई 1933 को कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1939 में रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य नेताओं की मुहिम के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को कुछ क्रांतिकारियों को रिहा करना पड़ा। कल्पना दत्त भी उनमें से एक थी। आजादी के बाद कल्पना दत्त ने राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया। 1995 में अंतिम सांस लेने तक कल्पना दत्त प्राकृतिक आपदाओं और अन्य समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देती रही। 2010 में चटगांव क्रांतिकारियों पर बनी हिंदी फिल्म आओ खेले हम जी जान से में दीपिका पादुकोण ने कल्पना दत्त की भूमिका अदा की थी। वीर महिला कल्पना दत्त के जन्म दिवस पर समस्त IMC परिवार नतमस्तक है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड IMC। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।